नाउ दिस इज वन वर्चुअल लैब वेयर यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ SHM. नाउ दिस इज द फिक्स्ड एंड, इधर फिक्स्ड एंड है. ओके, वी कैन मेक दिस एज अ लूज एंड एंड नो एंड ऑल्सो, एंड देर विल बी सम ऑसिलेशन. नाउ लुक एट द कंसेप्ट. In this way, there will be the formation of the waves. Now, waves are going towards the positive x direction, and there is a reflection of wave also. Crest trough, this type of formation is there. And ये जो points दिख रहे हैं यहाँ पे, उनका जैसे oscillation हो रहा है, it is very much similar to that of SHM of a particle, simple harmonic motion of a particle. Now, this is the fixed end. ये fixed end है. Okay, ये fixed end है यहाँ पे right side में. और this is the string. We will consider this as the string. और ये है string के particles. ये जो dot dot दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? String के particles है. Now, we can oscillate this string like this. देखिए इस तरीके से वेव फॉर्मेशन होता है. इसको थोड़ा स्लो मोशन में लेते हैं. अब देखिए यू विल गेट द एक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हियर. क्रेस्ट ट्रफ देखिए राइट साइड में. आप थोड़ा सा देखिए, जब यहाँ पे क्रेस्ट इंसिडेंट होता है ना, उसका ट्रफ तैयार हो रहा है. यहाँ पे क्रेस्ट इंसिडेंट होता है, ट्रफ यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. देखिए क्रेस्ट इंसिडेंट हो गया, ट्रफ बन गया. वापस से क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, ट्रफ बन गया. मतलब दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड. मतलब ये रेरर है, और ये जो यहाँ पे जिस स्ट्रिंग को जहाँ पे फिक्स किया है ना, ये डेंसर है. देखिए उसको ध्यान से. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पल्स. इसको पल्स बोलते हैं. वेव एंड पल्स में जो डिफरेंस है यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए. देखिए जब पल्स फॉर्मेशन होता है ना, तो दूसरे एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता है, एक ही एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन होता है. दूसरे एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता है. ये होता है पल्स फॉर्मेशन में. ऊपर जाएगा पार्टिकल, पर नीचे नहीं जाएगा. नीचे की साइड में पार्टिकल नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर की साइड में पार्टिकल वहां पे मूव ऑन करता है. अब देखिए वापस से ऑसिलेशन. देखिए इस तरीके से ऑसिलेशन होता है. रेरर टू डेंसर जा रहा है, रेरर टू डेंसर जा रहा है. ओके, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशन. यहाँ पे जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है ना, हर एक पार्टिकल पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. यहाँ पे एक पार्टिकल का ऑसिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है. देखिए एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम, सॉरी. नाउ इसको मैं कर रहा हूँ डैम्पिंग. अब ठीक है, पहले हम इसको लूज एंड, ये एंड कैसा है राइट साइड में जो एंड दिख रहा है, ये फिक्स एंड है. अब देखिए मैंने लूज एंड यहाँ पे उसको कर दिया. देखिए ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था. अब राइट साइड में जो सपोर्ट है वो रिजिड सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे डेंसर मीडियम नहीं है. रिजिड सपोर्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, डेंसर मीडियम पहली केस में था, इधर रेरर था, इधर डेंसर था.
अब इधर रेरर है और यहाँ का एंड जो है ये लूज एंड है। मतलब क्रेस्ट विल कम एज अ क्रेस्ट एंड ट्रफ विल कम बैक एज अ ट्रफ इन दिस केस। पहले केस में क्या था, क्रेस्ट एज अ ट्रफ आता था, ट्रफ एज अ क्रेस्ट आता था, यहाँ पे क्रेस्ट एज अ क्रेस्ट एंड ट्रफ एज अ ट्रफ आएगा। अगर यहाँ पे टेंशन, देखिए टेंशन भी हम वेरी करेंगे, अगर यहाँ पे एंड ही नहीं होगा तो एंड नहीं है मतलब वेव सीधे आगे जा रहा है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, यहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इन दिस केस देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। इन दिस केस एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम। यहाँ पे पार्टिकल जितना ऊपर जा रहा है उतना ही यहाँ पे जा रहा है, उतना ही यहाँ पे आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने डैम्पिंग क्या किया है, नन किया है। डैम्पिंग कितना है यहाँ पे, जीरो है, मतलब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है। डैम्पिंग कितना है यहाँ पे, जीरो है। अब देखिए अगर मैंने डैम्पिंग बढ़ा दिया तो देखिए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम कम होते जा रहा है, जैसे वेव आगे जा रहा है वैसे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड नोटिस हो रहा है आप लोगों को, कम कम होते जा रहा है। स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड देखिए बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में एम्पलीट्यूड कम हो गया और आगे एम्पलीट्यूड कम हो गया, और यहाँ पे तो देखा आपने तो एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। आई विल टेक इट एज अ फिक्स्ड एंड। देखिए डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है। अगर डैम्पिंग नहीं होगा यहाँ पे तो, आज ही हमने डैम्पिंग का कंसेप्ट देखा है, डैम्पिंग नहीं होगा तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा। इस तरीके से यहाँ पे वेव बन रहा है। नाउ देखिए यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ, ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट। यहाँ पर टेंशन हमने कम कर दिया थोड़ा सा। टेंशन यहाँ पे बढ़ा दिया है। एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा कम करते हैं। ओके ये होता है ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। इसको हम थोड़ा सा मैन्युअली करके देखते हैं। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा उस तरीके से यहाँ पे ऑसिलेशन आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे डैम्पिंग मैंने क्या किया है, जीरो किया है ना, मतलब इसको अपोज नहीं है। एक बार मैंने ऑसिलेट कर दिया तो इसका ऑसिलेशन चालू है। देखिए अब मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऑसिलेट नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऑसिलेशन उसका चालू है, क्योंकि डैम्पिंग कैसा है यहाँ पे, जीरो है। अपोजिंग फोर्स कैसा है, जीरो है। अब देखिए इसको अगर हमने डैम्पिंग लगा दिया तो गेटिंग द पॉइंट, यही पॉइंट मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे जैसे डैम्पिंग होता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, और एक पॉइंट पे जाने के बाद एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। इसको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप एक बार इसको वापस से नोटिस कीजिए।